शुरुआत कर दी थी कि हमको दस्तूर को और अपील के हुकूम को बचाने के लिए इंडिया लाइन्स के उम्मीदवार को वोट देना है। आज हम लोग जिले से अपने डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, किया है हम लोगों ने, जिसका मकसद ये है कि लोगों को वोट देने जाना इतना ज़रूरी है ये बताना कि घर के हर फर्द वोट देने जाए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जमहूरी हक अदा करने का जो मौका है वो पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, और 2014 से जो हिंदुस्तान के हालात हैं, लोगों के हुकूक जो है वो खतरे में है, अकलियत के हुकूक खतरे में है, उसको बचाने के लिए हम लोग लोगों को इस बात की आगाही करने आए हैं कि अगर हम लोग वोट देने नहीं गए अपने दस्तूर को बचाने के लिए, हमारी मजहबी आज़ादी बचाने के लिए, हमारी फितरी आज़ादी बचाने के लिए, और हिंदुस्तान में सालियत और सेकुलरिज्म कायम रहे, इसके लिए हमको वोट देने जाना है। इसलिए मेरी अहिल्या ने मालेगांव से और दूल्हे मालेगांव कॉन्स्टिट्यूंसी से जितने लोग हैं उनसे इस बात की अपील है कि जो 20 तारीख को 20 मई को इलेक्शन हो रहा है उसमें इंडिया अलायंस की तायद करता उम्मीदवार जो है उनके निशान है पंजा शोभा बच्छाव। हम लोग हमेशा कांग्रेस के खिलाफ रहे, लेकिन हिंदुस्तान के इस खूबसूरत जमहूरी निज़ाम को बचाने के लिए ऐसे शरपसंदों के खिलाफ वोट देना ज़रूरी है जो हमारे मुल्क की खूबसूरती को ख़त्म करना चाह रहा है। इसलिए मेरी लोगों से इस बात की अपील है कि सब वोट देने जाए और हमारे जमहूरी हक का इस्तेमाल करें, ऐसा ना हो कि हमारी कोताही आइंदा ये हक को भी हमसे छीन। किले से शुरुआत करना क्या मकसद रहा, खास करके और भी शहर के इलाकों से आप शुरुआत कर सकते थे? किला जो इलाका है वो शहर के मरकज में वाक़ है और यहाँ गुंजान आबादी में अगर शुरुआत की जाए तो जाहिर सी बात है उस वो इलाके की बात शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में पता चलती है। दूसरी बात, किला हमेशा से सान्याल साहब के मानने वालों का रहा है, इसलिए यहाँ लोगों को सियासी शऊर जो है वो ज़्यादा है। इसलिए यहाँ से शुरुआत करना मतलब ये है कि भाई कैंपेनिंग को कम वक्त में ज़्यादा दूर तक फैलाने के लिए हम लोगों ने किले से शुरुआत की। समाजवादी पार्टी मालेगांव की तरफ से डोर टू डोर कैंपेनिंग का काम शान है इनकी क्यादत में शुरू किया गया। हम किला के इतराफ की बस्तियों में जब घूमना शुरू किए तो यहाँ पर निहाली लोग, जो निहाल साहब को मानने वाले लोग थे, कुछ पुराने बुजुर्ग लोग मिले जो बड़ा हैरत कर रहे थे कि हमारे कॉम्प्लेट पर पंजा निशान कैसे। एक दो लोग बोले कि अपनी तो पूरी जिंदगी यही में चली गई ऐसे लड़त लड़त। मगर जब हमने बताया कि आज मोदी सरकार और बीजेपी मुल्क में जो हालात पैदा कर दिए, इसलिए आज ज़रूरी है कि मोदी सरकार और बीजेपी को हराया जाए, इसलिए हमने सारी हमारे अंदर जो कांग्रेस को लेकर मतभेद थे या उनके ताल्लुक से हमारी जो भी लड़ाई थी उनको हमने अभी सर्द खाने में डाला और हम वोट मांग रहे हैं। और इस बात को लेकर बड़े बुजुर्ग ने काफ़ी मुबारकबाद दी कि आज जो हालात है और मालेगांव शहर में सियासी माहौल वोटर स्लिप से लेकर सियासी प्रचार और सियासी माहौल अगर कोई बना सकता है तो वो सिर्फ निहाली वर्कर बना सकते हैं। और यही वजह है कि जब संविधान सुरक्षा रैली निकली उसके बाद इस मुल्क इस शहर में जलसे शुरू हुए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज डोर टू डोर कैंपेनिंग के बाद दूसरे लीडरान भी मालेगांव शहर के बाहर निकलेंगे, बीजेपी आरएसएस और मोदी सरकार के खिलाफ कैंपेनिंग करेंगे, क्योंकि रास्ता हमेशा निहाली वर्कर ने शहर को बताया है। और हमारा मकसद है कि वोटिंग का परसेंटेज बढ़े और इस बार जो हालात दिख रहे हैं मुल्क के उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फिरका परस्तों की हार होगी। भाई सिर्फ बहुत जगह घर में बटी नहीं है वोटिंग के बाद। कल से समाजवादी की तरफ से मालेगांव शहर में 30 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर यादी होंगी, लैपटॉप होगा, मोबाइल से एक नया ऐप आज ही हमको उम्मीदवार की तरफ से मिला है जो सिर्फ मालेगांव शहर के लिए बनाया गया स्पेशल एक ऐप है, जिससे आसानी से नाम के साथ वोटर को वोटर की स्लिप ढूंढी जा सकती है। इन सब लवाजमात के साथ कल 4 बजे से देर रात तक मालेगांव शहर की 3 जगह पर ये स्टॉल लगेगा। आज से मंडप डाला जाएगा, उसी में ये ख्यावान निषाद चौक पर भी और मालेगांव शहर के कच्चे और पक्के एरिए में, ताकि स्लिप का और यादी का काम अच्छे ढंग से हो सके। हमने
जो नेहाली पुराने लोग हैं जो यादी पर अच्छे से काम करते हैं, उन लोगों को लगाया है, वो लोग यादी पर स्टडी कर रहे हैं। इंशाल्लाह 2-3 रोज में स्लिप का अच्छे तरीके से समाजवादी के बैनर तले काम काज शुरू होगा और वो घर घर स्लिप पहुंचेंगी। और 17 तारीख को जो हमारा जलसे का ऐलान है उससे शहर में एक फिजा बहरहाल पर शोभा ताई बच्चाओं के हक में एक अच्छी फिजा कायम हो जाएगी। शोभा ताई बच्चा शामिल रहेगी? हमने अभी ऐसी कोई बात नहीं की, वो आखिरी दिन है कैंपेनिंग का, यानी शनिचर को 5 बजे तक का टाइम है, मतलब रात का यही एक जलसा आखिरी रहने वाला है और उम्मीदवार का 6 हल्का है। अब अगर वो नहीं भी रहे तो हमको ऐसी ज़रूरत नहीं है कि वो रहें, अगर वो कोई और जगह रहेंगे जहाँ उनको फ़ायदा हो सकता तो वो वहाँ रहे। मालेगांव के लेवल पे हम सब कर सकते हैं, मालेगांव में एक माहौल बना हुआ है, इसलिए बहुत ज़रूरत उनकी मालेगांव में नहीं है।